मैंने कई सारी फिल्में भी बीच में लाई हैं। अब तक मैंने 7 मराठी फिल्में बनाई हैं और मैंने खुद ने 5,000 से ज़्यादा एपिसोड मैंने खुद ने डायरेक्ट किए हुए हैं। सो कुछ ना कुछ तो मेरा चलता ही रहता है। एक्चुअली मेरा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ध्रुव चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उसके अंतर्गत हम लोग देश में जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। लास्ट ईयर अपने यहाँ पर ड्रॉट सिचुएशन था तो हमने एक कुआं खुदवा के दिया था, और महाराष्ट्र में मराठवाड़ा एरिया में जहाँ पर भी कुआं नहीं खुदवाया जा सकता है, बिकॉज 100 मीटर अगर आप डीप जाओ तो भी वहाँ पर पानी लगेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमने वहाँ पर टैंकर से पानी दिया था। मैंने आज तक किसी के पास से एक पैसा भी नहीं मांगा है कि आप हमें इसके लिए डोनेट करो। बट मेरी ये कोशिश है कि हम लोग एक ऐसा अच्छा उमदा प्रोग्राम लोगों के सामने पेश करें और जिसके थ्रू हम लोग फंड्स क्रिएट करें, और ये पूरे के पूरे जो फंड्स क्रिएट होते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ लगा देती हूँ। और हकीकत में ये कहूँ तो रूप और सोनाली मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं कि उनके सामने मुझे जो करना है वो मैं क्लियरली उनके सामने जाके बोल देती हूँ। और जब इनका इतना अच्छा एल्बम आया है हमारे सामने तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक और प्रोग्राम लोगों के सामने लाए, एक अच्छा सा प्रोग्राम जो लोग देखना चाहते हैं, तो इसके जरिए वी कैन क्रिएट फंड्स, वी कैन रीच आउट टू पीपल। लोग गजल जो भी मतलब रसिक लोग हैं जो देखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ये बहुत अच्छा मौका है। तो सिर्फ रूप जी भी है, सोनाली जी है कॉन्सर्ट में या कोई और भी सिंगर है? नहीं, इसमें सिर्फ रूप जी और सोनाली। तो कौन से गाने होंगे जो इसमें? जो मेरे फिल्म के पॉपुलर गाने हैं जाहिर है कि उसके बिना तो ऑडियंस जाने नहीं देगी, तो इसमें बॉर्डर के दोनों गाने हैं, फिर अनवर का जो मेरा गाना है मौला मेरे मौला। मौला मेरे मौला जो है वो देखिए उसमें आपको बताऊं कि आज यूट्यूब पे हाईएस्ट व्यूअरशिप उस गाने की है, करीब 2 करोड़ और 20 लाख के ऊपर आज तक वो गाना चल रहा है। हालांकि फिल्म नहीं चली, फिल्म उस जमाने में नहीं चली, लेकिन वो गाना अपने आप में जो अच्छी चीज़ होती है वो अपने आप चलती है। तो अनवर का गाना है मौला मेरे मौला, फिर रब ने बना दी जोड़ी है, उसके बाद वीर जारा है, अग्निपथ है, लंदन ड्रीम्स हैं, और बॉर्डर का है ऑफकोर्स सरफरोश है। तो ये सारे गाने जो हैं और हमारे एल्बम के जिक्र तरह के जो नए हमने जो किए हैं तो उसके